परम सम्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन ते पवित्र मुबारक हजूरी विच जुड़ बैठे अति सत्कारयोग सतसंगी जनों साहबां की पावन पवित्र गोद विच बैठ के सतगुरु के प्यारियां पासों गुरबाणी का कीर्तन सरवण कर रहे सी। आओ कुछ समा सतगुरु की पावन बाणी दियां विचारां नाल सांझ पाईए। विचारां दी आरंभता करन तो पहला एक बार कहण ते सारी संगत गज के बुलाओ फतेह आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पावन श्लोक का आप जी ने पाठ श्रवण किया है। इस श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर दो बार आया है। वैसे भी तुहाडे चों कई गुरसिख प्यारे जिन्हां ने आप गुरबाणी का कई बार पाठ किया होगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर 22 वारां ने, उन्हां विचों दो वारां ऐसियां ने जिन्हां विच श्लोक नहीं हन, कल्लियां पौड़ियां हन, जिवें भाई सत्ता बलवंत जी की वार अते बसंत की वार। इस तो बिना बाकी जिहड़ियां 20 वारां हन जिवें सूही की वार, जयश्री की वार, आसा की वार, इन्हां विच पौड़ियां दे नाल श्लोक भी हन। पर जिहड़े इन्हां पौड़ियां तों श्लोक वध गए ने, उह पिछे जा के गुरु साहिब ने इक जगह अंकित करते उपर सलेख लिख दिता श्लोक वारां ते वधीक। यह जो श्लोक हुणे आपां पढ़िया है, एक गल का होर ख्याल रखना, जिन्ने भी श्लोक वारां ते वधीक आए ने बहुत श्लोक मिलते ने उन्हां विच जिहड़े पौड़ियां च पहला आ चुके ने, पर थोड़ा जा फर्क पा के श्लोक वारां ते वधीक गए ने। हूब हू वह श्लोक उत्थे नहीं गए, जिवें पवन गुरु पाणी पिता माता धरत, यह दो बार आया गुरु ग्रंथ साहिब, एक बार गुरु अंगद साहब जी ने उच्चारण किया, एक बार जपजी साहब च गुरु नानक साहब जी ने उच्चारण किया। यह जो पावन श्लोक हुणे आपां पाठ के रूप से सरवण किया, यह दो बार आया। इस विच फर्क यह है, किते ते नर असल खार, किते से नर असल खार आया। हुण इस श्लोक नूं आपां समझणा है। श्लोक की आरंभता है, महाराज कहिंदे ने मनो जे अंधे कूप, कहिंदे जिहड़े मन करके अन्ने ने ना, जिन्हां दे मन विच हनेरा है। हुण बंदा होवे भी नेत्रहीन ते मन्ने भी ना भी मैं नेत्रहीन हां, ते उहनूं को राह विखाएगा भला? बंदा नेत्रहीन होवे ते जीवन च स्वीकार भी ना करे कि मैं नेत्रहीन नहीं हां, फिर भी कहे मैनू बहुत दिसदा है, ते कोई उहदी बाह फड़ के उहनूं सड़क पार कराएगा? नेत्रहीन ते स्वीकार करना पैना भी मैनू भाई कोई सुजाखा बंदा अपना मोढ़ा देवे, मैं उहदे मोढ़े ते हथ रख के सड़क पार करना चाहुंदा, मैं तुरना चाहुंदा। ते इह कुदरती गल है, जिन्ना सुजाखा बंदा तेज तुर सकदा है, नेत्रहीन जिन्नी मर्जी विचारा प्रैक्टिस करे, वह उन्हूं खड्डे दा, उन्हूं टोए दा, टिब्बे दा नहीं पता लगना। एक गल का ख्याल रखना, इत्थे नेत्रहीन दा अर्थ आ अखां दी गल नहीं है, क्योंकि बड़े सूरमे संघ रागी ऐसे ने जिन्हां विचारियां दी अखां नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे शब्द मूंह जबानी कंठ ने, ते बहुत ऐसे रागी ने जिहड़े विचारे वेख के कीर्तन करदे ने, उह कंठ भी नहीं कर सकदे। अखां वाले उह पर्चियां रखदे ने नाल बैग च पाईआं हुंदियां, उह जदों संगत अग्गों फरमाइश करदी है वी आह शब्द सुणाओ, ते उहनां लैमीनेशन कीता हुंदा, पर्ची कढ के उपर रख लैंदे ने। उह भी नेत्रहीन ने रागी सिंह, पर उहनां नूं गुरबाणी कंठ है। बालक ने पावन बाणी च लिखिआ है, अंधे इहनां आखियां जिन मुख लोइण नाहे, अंधे सही नानका जे खसमो कुत्थे जाहे। असीं नेत्रां वाले जपजी साहब भी कई नहीं कंठ कर सके, वह बिना नेत्रां तो 500 2-2 3-3 हजार मूंह जबानी शब्द कंठ करके। तो नेत्रहीन इंसान दे विच जो सुन शक्ति ते याद आ शक्ति दूजे नालों ज्यादा होंदी है। असीं नेत्रां वाले कई बार बंदे नूं वेख के 4 सालां बाद भुल जाने, पर नेत्रहीन बंदे नूं एक बार कोई बंदा मिले 10 सालां बाद उहदे लागे बोले, कहिंदा इह फलाणा व्यक्ति है। इत्थे ये ना समझ लेना, इत्थे नेत्रहीन दा अर्थ उहनूं क्या है जिहदियां अखां नहीं,
इथे मनो जे अंधे कूप उन्हूं कहा जिहड़ा अग्ञानी है वह भी नेत्रहीन है जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं भी नमस्कार करता है ते किसी मड़ी मसान किसी मनुख दे अगे भी जाके सिर चुका दिंदा है वह भी नेत्रहीन है ना। मनो जे अंधे कूप जिहड़े मन करके अन्ने कूप ने मन करके अग्ञानी ने अग्ञानता विच फसे पए ने मनो जे अंधे कूप कह लगे मन करके अन्ने ते हैगे जे उन्हां नूं कोई दसदा भी है ते ओह समझण लई तैयार नहीं क्योंकि मन करके अन्ने ने मन करके नेत्रहीन ने मन दीआं अखां नहीं हन ज्ञान नहीं है अंदर समझ नहीं है। हुण साहिब सच्चे पातशाह जी ने जो विचार बख्शिश की है मनो जे अंधे कूप कह लगे से कहियां बिरद ना जाणनी जे उन्होंने कोई दसे भी जाके कि भलियो आ काम गलत तुसी कर रहे हो मन का अंधा स्वीकार करने भी तैयार नहीं है वो मनन तैयार नहीं मैं गलत हाँ। तुसी कभी अपने जीवन काल च वेखना तुसी किसे अग्ञानी बंदे नू गलत पै रस्ते नू तुसी रोक के वेखो ये काम गलत करना है वो नहीं मनेगा हैगा गलत है मनन तैयार नहीं है है गलत। तुसी किसे इथों तक रिश्तेदार कई बार मूंह मंगा कर लेंगे तुसी कौन हो सानू गुरमु समझाने वाले असी जो करते ठीक हाँ सानू रहन दिओ। मनो जे अंधे कूप से कहिया किसे दे दसिया भी बिरददार था मनुखी फर्ज समझण नू तैयार नहीं से कहिया बिरद ना जाना नहीं ते मालक जी कहंदे ने मन अंधा ऊंधा कमड़ा वह मन के अन्ने होने करके उन्होंने जोड़ा मन है ना मन का बर्तन है मूधा पिया होया है वह बेचारे गुरुद्वारे भी बह जाते हैं दो तीन घंटे कीर्तन कथा भी सुन लेंगे ने बहते ने आम बंद की तरह बहते ने आके पर नहीं गुजारा उन्होंने शनिवार जिनी देर तक वो जाके तेल ना पावन मंदिर के नहीं गुजारा उन्होंने बह भी जाते हैं दूजिया की तरह हो सकता उन्हां दी अखां दूजे नालों ज्यादा बंद होण हो सकता चौंकड़ा उन्हां दूजियां नालों ज्यादा मार लैण पर नहीं गुजारा उन्हां दा उन्हां शनिवार गड्डी लैके आउणी ते पुछणा ही पुछणा पंडित नूं भी अज नहीं लिआउणी शनिवार शनिवार ते लोहा नहीं खरीदीदा नहीं गुजारा उन्हां दा अज तों बिना नहीं सरदा उन्हां दा क्योंकि मन करके मन अंधा ऊंधा कमड़ा उन्होंने अपना मन रूपी बर्तन जिहड़ा मूधा मारिया होया ते तुसीं बर्तन मूधा करके उत्तों पानी टूटी सड़ दो बर्तन का मूधा नीवा कर दे टूटी का तो कोई कसूर नहीं ना वर्खा पै रही है तुसी बर्तन मूधा कर आओ बाद कहो जी वर्खा का कसूर है साढ़े बर्तन च एक बूंद पानी की नहीं पई वर्खा तो हुई सी भलिया तू बर्तन मूधा कर आया अपने वेड़े दे विच जाके बहुत ही वारी इंसान गुरु को आ जाता है बर्तन ही सीधा नहीं करता। मेरे मालिक ने पावन बाणी च लिखिया है श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह का पावन सिद्धांत पढ़ के वेखो मल जी कहते हैं जिनके चित कठोर हैं जिन्हों के हिरदे पत्थर बन जाते हैं इन्हों भी असर होना ही नहीं भावें कई सहज पाठ कर लन कई अखंड पाठ कर लन कई रागियों को कीर्तन सुन लैन कई कथावाचकों दी कथा सुन लैन पर नहीं गुजारा उन्हों का कर्मकांड कीतिया नींबू ते मिर्चा टंगड़िया टंगड़िया दुकान के अगे जो मर्जी हो जाए